हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने की थी। उसने सबसे पहले इस पर प्रकाश डाला। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1853 में हड़प्पा का सर्वे किया। फिर 1856 में जॉर्ज बर्टन और विलियम बर्टन ने रेलवे का काम कर रहे थे, तब उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का रेल की पटरियों में काम, रेल ट्रैक बिछाने में काम में लिया। फिर उन्हीं अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1856 में दूसरी बार फिर हड़प्पा का सर्वे किया था। पहली बार उन्होंने 1853 में किया था। फिर 1861 में ASI की स्थापना हुई, जिसको हम भारतीय पुरातत्व विभाग भी कहते हैं, और ASI का जनक लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया, और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता बनाया, जहाँ पे वो पूरा उस एरिया की खोजबीन करने का काम दिया उनको। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा जॉन मार्शल ने की। इतिहासकार बीरगढ़ ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता की राजधानी में। आइए अब जानते हैं हम इसके विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कहलाती है। ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहलाती है। यह एक कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यता भी कहलाती है। तो इसका एक्सपांसन मांडा कश्मीर और आलमगीर, दैमाबाद और दस्क नदी जो बलूचिस्तान में बहती है उसके बीच के एरियों में ये फैली हुई है। इसका समय एज पर नई NCERT 2620 से 1920 तक था। वह पुराने सागौन अभिलेख के अनुसार इसका समय 3250 से 2750 BC तक बताया गया। अब इसके अपन मुख्य स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। इसकी स्थिति मोंटेमेरी जिला, जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। इस जिले का भी वर्तमान नाम साहिवाल जिला है। यह रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खनन करता दयाराम साहनी थे। यहाँ पे एक 837 नाम का कब्रिस्तान में मिला, जिसमें बहुत सारी पुरानी कब्रें मिली, जिसमें विदेशी व्यक्ति की कब्र भी थी। इसमें कुछ इक्का गाड़ी, संगार पेटी का, स्वस्तिक के निशान, पुराने अंधकार, अनाज साफ करने का चबूतरा और ग्रामीणों के निवास स्थान भी मिले हैं। दूसरा स्थान है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो। ये ललकाना सिंध में स्थित है, जहाँ पे सिंधु नदी की बहती है। इसके उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी, जिनको RD बनर्जी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। यहाँ पे भी विशाल स्नानागार मिले हैं। इसका आकार 39x23x8 feet था। इसके उत्तर दक्षिण सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें बिटुमिनस कोयले का लेप भी किया गया है। इसके उत्तर दिशा में वस्त्र बदलने के 6 कक्ष या स्थान भी बने हुए हैं, जहाँ पे लेडीज या जेंट्स दोनों कपड़े बदलते थे। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे उसी स्थान पे 3 तरफ बरामदे हैं। उन्हीं बरामदों के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं, और जलापूर्ति के लिए यहाँ कुआ भी बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसके प्रथम तल पे पुरोहित रहते थे। फिर जॉन मार्शल ने इसको एक आश्चर्यजनक स्मारक भी कहा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ विशाल स्नानागार भी मिले हैं, पुराने कॉलेज या महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है, एक नर्तक की ताम्र मूर्ति या मेटेलिक मूर्ति मिली है। यहाँ एक राजा की मूर्ति भी मिली है, जिसको पुरोहित भी साथ में है। फिर यहाँ पर एक मोहर भी मिली है, जो मेसोपोटामिया की मोहर है। सो फ्रेंड्स, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थानों के बारे में पढ़ा है। बाकी के स्थानों के बारे में भी हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।